सो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू अनदर टूर्नामेंट पावर गाइड वीडियो। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि स्ट्रेटेजी तो सेम ही होती है। मैं रीजन टीम को इस्तेमाल करता हूं स्टार्टिंग में एंड देन मैं अपनी टीम चेंज कर लेता हूं। लोग कह रहे थे कि भाई ऐसी टीमें भी बताओ जो कि मतलब विदाउट जैन का ही हो। ओके सो यार मैं क्या बताऊँ, मैं जैन का ही के बिना इस्तेमाल करोगे ना अगर तुम, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि तुम मतलब इस रिवाइव स्पॉट से पहले डेड हो जाओ। बिकॉज मैंने एक बार ही किया था बीच में, उसकी वजह से ही मैं एस रैंक में आ गया था। सो या जी लीग में ना डैमेज बहुत ज़्यादा जाता है टीम को, इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट ज़्यादा मैं नहीं करता पावर के अंदर। ओके सो मैं रीजन टीम का इस्तेमाल करता हूँ स्टार्टिंग से लेके रिवाइव स्पॉट सबसे ऊपर वाला जो होता है, ठीक है। अगर वो बहुत ही ऊपर है भाई फिर तो दिक्कत हो जाती है, जैसे कि इस वाले सीज़न के अंदर है। ओके ओनली 3 बैटल खेलने को मिलेंगे हमको, उससे पहले मेरे को सारा क्लियर करना पड़ेगा। एंड रीजन टीम को लेने के बाद तुम सारे के सारे हार्ड लेवल खेलने होते हैं, मतलब कि मुझे पता नहीं है, डबल पंच वाले मेरे को हार्ड लगते हैं तो मैं सारे के सारे खेल लेता हूँ। तो जहाँ जहाँ मेरे को दिखते हैं डबल पंच तो मैं उनको प्ले कर लेता हूँ। ओके बिकॉज मुझे पता है एंड मेरे को कोई फॉर्मेशन बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि अंदर जाओ सेट करो रीजन को, मैं ये सब नहीं करता हूँ। देखो साफ सीधी गेम खेलता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा दिमाग लगाओगे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जिस तरह मैं तुम्हें अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ, अपना स्टाइल बताता हूँ कि मैं किस तरह से 1KCC एटलीस्ट 1KCC यहाँ से ले लो, यहाँ से ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके टाइटल लेके तुम क्या कर लोगे, बात तो ये आती है। देखो फ़ायदा क्या है, तुमको कुछ नहीं करना, तुमको बस खुले सांड की तरह खेलना है इस समय, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इस समय मैं सिर्फ अपने स्टेज देख रहा हूँ, 1, 2, 3 कर रहा हूँ जिस तरह एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड देन बैटल, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना भाई, क्योंकि रीजन टीम डेड ही नहीं होती मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल भी डेड नहीं होती। लुक एट दिस, मैंने अभी तक पता नहीं कितने मैचेस कर लिए होंगे। एंड मेरी टीम की हेल्थ देखो तुम, ब्रो HP घटती नहीं। स्टार्टिंग में रीजन टीम का इस्तेमाल करता हूँ। ओके सो इसलिए मैंने आज की इस वीडियो में थोड़ा वॉइस कवर किया है। जैन का इज नहीं है तो मैं तब भी रेकमेंड करूँगा कि तुम रीजन टीम का इस्तेमाल करो। और एक और टीम है जो तुम इस्तेमाल कर सकते हो, वो होगी LOE टीम। EX वाले LOE होते हैं, वो भी बहुत सही होते हैं। मेरे पास उसमें तो कुछ नहीं है, दैट्स व्हाई मैं उस टीम का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ओके सो या मैं ऑलमोस्ट ऊपर तक पहले जाते हैं आराम से। ओके सो हमने हाफ क्लियर कर दिया है। ओके तो अब थोड़ा सा और रह गया मेरे को, बस मैनेज करना है कोई डेड ना हो, ठीक है। सो डेड हो जाएंगे ना, उसके बाद क्या होता है कि हाफ HP मिलती है। तुम येल्लो वाले स्पॉट पर जाओगे रिवाइव स्पॉट पर, तब तुमको हाफ HP मिलती है, जो कि बहुत बेकार होता है। स्कोर मेरा बहुत बेकार है इस समय, बट मैं होप कर रहा हूँ कि मेरे को 3 बैटल्स के अंदर कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल जाए। तो वेट, हम ऑलमोस्ट पहुँच गए। सो अब क्या करना है, यहाँ पे मैच, अब वीडियो असली शुरू होती है कि तुमको अपने लिए टीम ढूंढनी होती है। सो इस समय साइबरमैन टीम बहुत ज़्यादा चल रही है, सारे के सारे सेम टीम इस्तेमाल करते हैं। ओके सारे के सारे टॉप बंदे होते हैं, जो भी होंगे सेम टीम इस्तेमाल करते हैं। इसमें से कुछ लोग होंगे जो मतलब लुक एट दिस, ये मूवी टीम इस्तेमाल कर रहा बंदा। ये टीम भी बहुत सही है, बट इसके अंदर बारडॉग नहीं है मेरे पास, एंड इसमें से एक दो EX करेक्टर भाई बहुत मुश्किल से मिलते हैं इस गेम में अब। सो मैं तो सोच रहा हूँ अपनी साइबरमैन टीम इस्तेमाल कर लेता हूँ, बिकॉज इसमें मेरे पास सारे कैरेक्टर्स हैं। सो इसी को बिल्ड करते हैं जल्दी से, रेडी है टीम, बस थोड़े से इक्विपमेंट रह गए हैं। इसके अंदर मैंने 2 फ्रीजा सोल्जर्स भी लगाए हैं, बिकॉज साइबरमैन इतने ही थे तो मेरे को मिनियंस चाहिए। तो लेट्स सी, ये है पूरी शेनरॉन टीम को। सो मैं यहाँ पर ज़्यादा रेकलेस नहीं होना हमें। ओके सारी टीम फॉर्मेशन बना के खेलना पड़ेगा, बिकॉज तभी सही से स्कोर मिलेगा यहाँ पे। ओके लेट्स सी हमें कितना स्कोर मिलता है। अभी भाई पॉइंट्स बहुत कम है मेरे, तो मैं होप कर रहा हूँ कम से कम 15 कितना है, इट्स फाइन 30। सी अगेन, अब ये यार थोड़ी देर बाद मेरे को ये TP मिल गया है, तो मैं इसको अब क्लियर कर रहा हूँ।
सो या इसके बाद जो टीवी मिलेगा मेरे को नेक्स्ट डे पे मिलेगा, तो उसके लिए मेरे को एक दिन रुकना पड़ेगा। ओके सो लेट्स यहाँ कितना स्कोर मिलता हमें। सो मैं बस होप कर रहा हूँ मेरे एटलीस्ट 1 मिलियन हो जाए, बिकॉज 1 मिलियन होंगे तब मेरा चांस होगा 1K के। ओके One eternity later. This is the last TP. मेरे को next day हो चुका है and आज मेरे को ये TP मिला है। यार 9 घंटे लगते हैं यार एक TP यार। Okay. So ये last होगा। मैं सिर्फ साइबरमैन ले जाऊँगा because score उससे ज़्यादा मिलेगा मैं। So I am hoping at least 20 because 20 के बाद हमारा 1 million I think confirm हो जाएगा। Please let's see. Okay, not bad, but ये 1 million नहीं हो पाया मेरे हिसाब से, because मैंने 20 का hope किया था, because 20 के बाद ही हो पाता। या मुझे पता था। Okay, हमने 1 million तो cross नहीं कर पाए, but Not bad. इसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। ओके सो तुम देख सकते हो मैं अभी मैं नीचे हूँ, बीच वाले में होता तो मज़ा आता, बट ये चीज़ बहुत बेकार हुई। ओके देखते हैं कि 28 तक, मतलब 28 को रीसेट होगा, तब तक मैं इसके अंदर कहाँ पे रुकता हूँ। मैं तो होप कर रहा हूँ एटलीस्ट मेरे को 95 पे रोक देना, दैट्स इट यार। ओके सो इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था, बट अच्छा हुआ हम एटलीस्ट क्लियर कर पाए पूरा का पूरा, एंड 1 million ऑलमोस्ट है। ओके मैं होप कर रहा था कि ऊपर हो जाए 1 million थोड़ा सा और, बट स्टिल दैट्स इट। आई होप यू ऑल एंजॉय एंड अंडरस्टैंड कि तुमको किस तरह से इसको खेलना चाहिए टॉप को। ओके तुम अगर छोटी लीग में खेल रहे हो, मतलब कि एस में या फिर बी में, सो मैं तो कहूँगा अपनी फेवरेट टीम का इस्तेमाल करो वहाँ पे, एंड इस तरह में वो टीम इस्तेमाल करो जो टॉप में चल रही हैं। सो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो आज के लिए बाय बाय गाइस।